औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास नाइन्थ। इसके अंदर हम स्टोरी रीलोड करेंगे द डोंकी ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है जाल में फंसना, इन हीज ओन ट्रिक, अपनी ही ट्रिक के अंदर। अब इधर एक देहाती है डा डोंकी, उसके पास एक जो है वो गधा था। वन डे एक दिन ही लोडेड हिज डोंकी विद साल्ट, एक दिन उसने अपने जो है वो गधे के ऊपर नमक जो है वो लादा। एंड टुक हीज वे टू द टाउन, और कस्बे की जानब चला गया। ऑन हीज वे रास्ते में देर वाज द स्ट्रीम, एक नदी थी। द डोंकी वैन क्रॉस, जब डोंकी ने क्रॉस किया द स्ट्रीम नदी को, फिल डाउन गिर गया। अ गुड डील ऑफ साल्ट वाश अवे, एक बहुत बड़ी मकदार में जो नमक था यानी कि वो धुल गया, वाश हो गया। एंड द डोंकी फील लाइट, और गधे को बड़ा जो है वो हल्का अब वजन महसूस हुआ। द डोंकी टुक इट टू बी अ गुड ट्रिक, अब उसको एक अच्छी तरकीब मिल गई। नेक्स्ट डे अगले दिन आदमी अगेन लोडेड, उसके ऊपर नमक जो है वो रखता है। द डोंकी इसी मकसद के तहत सेट डाउन बैठ जाता है एंड गोट लाइट, और उसका वजन जो है वो हल्का हो जाता है। द मास्टर केम टू नो, अब मालिक को मालूम हो जाता है इसी ट्रिक के बारे में। ही डिसाइडेड, फैसला करता है टू टीच द डोंकी ए लेसन, के वो उसको जो है वो एक सबक जो है वो अब सिखाएगा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन ही लोडेड द डोंकी, गधे के ऊपर वजन ला दिया विद ए बेल ऑफ ऑफ कॉटन, कॉटन की जो है वो एक गुठा। इट ट्राइड द सेम ट्रिक, और उसने दोबारा जो है वो कोशिश की इसी जो है वो तरकीब को करने की। वैन इट गोट अप, जब वो उठा, इट कुड नॉट वॉक, वो ना चल सका अंडर द हैवी लोड ऑफ सॉक्ड कॉटन, जो बहुत भारी मकदार में कॉटन ने जो सक किया था यानी कि जो है उसके अंदर पानी आ गया, तो उसकी वजह से वो उठ ना सका। द डोंकी वाज पनिश फॉर हिज बैड टेंशन, गधे को जो है वो इसकी जो है वो बुरी इरादे की वजह से उसको जो है वो सज़ा दी गई। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तजर्बा एक जो है वो अच्छा उस्ताद है। डू नाट प्ले फूल गेम, अहमक जो है वो खेल मत खेलो। ये कुछ डिफ़िकल्ट बेटा वर्ड है, उनकी उर्दू लिखी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्ला, अस्सलामु अलैकुम।